हमारे नौजवान इकट्ठे हैं जिन्होंने जो ग्रेजुएट हैं, और ये इसलिए इकट्ठे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से पिछले दिनों फैसला लिया गया कि लगभग 5 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। लेकिन इसमें खामी ये रखी गई कि इसमें एज लिमिट जो बताया गया है, एज लिमिट 18 से लेके 28 तक का एज लिमिट रखा गया है, तो जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ग्रेजुएट है, और जम्मू कश्मीर के एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन स्कीम के तहत कोई भी शख्स 21 साल से पहले ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, यानी कि 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में यहाँ ग्रेजुएशन करना असंभव है। तो 21 साल में अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपने 18 साल की एज क्यों रखी है? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं उसमें करेक्शन की जानी चाहिए, उसमें दोबारा से गवर्नमेंट को रिकंसीडर किया जाना चाहिए, और मिनिमम जो एज है वो 21 साल रखी जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज है ये 35 साल रखी जानी चाहिए, क्योंकि कोविड के 2 साल निकल गए, उसमें बहुत से नौजवान हमारे ओवरेज हो गए हैं, और केरला जैसी बहुत सी स्टेट हैं, गुजरात जैसी स्टेट हैं जिन्होंने ऑलरेडी 35 या 36 साल की एज रिलैक्सेशन इस पोस्ट के लिए दी है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि हमें भी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी इस पोस्ट के लिए 21 से लेकर 35 साल तक का जो एज लिमिट रखी जानी चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चों का, हमारे नौजवानों का जो फ्यूचर है डार्क होने जा रहा है, उसको किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके और वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो हम एलजी मोदी से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों का फ्यूचर जो डार्क ना हो और उनको इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि वो भी अपने अपनी जो मेहनत है, जो उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, उसका फायदा ले सकें, समाज को दे सकें, जम्मू कश्मीर को दे सकें और अपने परिवार को दे सकें।